राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। एमएस धोनी के संन्यास की खबरें तेज हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया के न्यूजीलैंड से हारने के बाद कहा जा रहा है कि यह मुकाबला उनका आखिरी वनडे मैच होगा। अब वे संन्यास का ऐलान कर देंगे। हालांकि इस बारे में अभी आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी बताया कि उन्हें धोनी के संन्यास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कोहली से पूछा गया कि क्या वेस्टइंडीज के दौरे पर एमएस धोनी जाएंगे, क्या धोनी ने संन्यास या अपने भविष्य के बारे में कुछ बताया है, इस पर कोहली ने कहा, धोनी ने अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं बताया। आपको बता दें, भारत की हार पर अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडलाइन लगाई, द सन विल स्टिल राइज टुमारो। इसके साथ ही अखबार ने रविंद्र जडेजा की तारीफ की। इंडियन एक्सप्रेस ने विराट कोहली के बयान को हेडलाइन बनाया। अखबार ने हेडलाइन दी है, 45 मिनट की खराब क्रिकेट ने आपको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, इसे स्वीकार करना मुश्किल है। हिंदुस्तान टाइम्स ने भारत की हार और न्यूजीलैंड की जीत को लेकर हेडलाइन लिखी है और बताया है कि न्यूजीलैंड फिर फाइनल में पहुंच गई। हिंदी अखबारों की बात करें तो अमर उजाला ने लिखा है, टीम इंडिया का चैंपियन बनने का सपना टूटा। वहीं दैनिक जागरण ने भी कोहली के बयान को लेकर अपने हेडलाइन बनाई है और लिखा है, 4 साल पर भारी पड़े 45 मिनट। वहीं नवभारत टाइम्स ने धोनी के रनआउट को लेकर हेडलाइन बनाई है। अखबार लिखता है कि भारत संघर्ष के बाद हारा और अगर लाइन पार हो जाती तो शायद। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।